नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। त्रिपुरा की हिंसा को लेकर देश के राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी की सरकार और त्रिपुरा पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और वकीलों समेत 102 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर UAPA एक्ट लगाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई की राहुल गांधी ने आलोचना की है। राहुल गांधी का कहना है कि UAPA के जरिए सच को दबाने की कोशिश हो रही है। सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि #TripuraIsBurning के बारे में बात करना सुधारात्मक कार्रवाई का आह्वान है, लेकिन बीजेपी की पसंदीदा कवर अप रणनीति है कि दूत को गोली मार दो। UAPA से सच को चुप नहीं कराया जा सकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक हफ्ते पहले भी त्रिपुरा हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर जो लोग नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं वो हिंदू नहीं बल्कि ढोंगी हैं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी। रविवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने भी एक बयान में कहा था कि पुलिस ने जिन पत्रकारों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ UAPA एक्ट लगाया है, उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को तुरंत वापस लिया जाए। कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मानवाधिकार संगठनों ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों समेत अन्य पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।